नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी वर्मा। आप देख रहे हैं इंडिया 24x7 लाइव टीवी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए गंभीर और जनता से सतर्कता बरतने की अपील कर रहे हैं, लेकिन क्या उनकी शक्ति माननीय और मंत्री पर बेअसर साबित होती? विधानसभा सत्र के दौरान कई विधायक बिना मास्क पहने विधानसभा में इधर उधर घूम रहे हैं। उन्हीं में से एक मंत्री है उषा ठाकुर। आपको बता दें कि उषा ठाकुर ने कहा कि मैं वैदिक जीवन में योग पद्धति का अनुसरण करती हूँ। प्रतिदिन शंख बजाती हूँ, काढ़ा पीती हूँ, गाय के गोबर के कंडे पर हवन करती हूँ, हनुमान चालीसा का पाठ करती हूँ। यह मेरी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। यह मेरा कोरोना से बचाव है। गमछा गले में रखती हूँ, अगर मेरे पास कोई आए तो यह मैं मुँह पर रख लेती हूँ। उन्होंने इंदौर में कोरोना के बढ़ते मामलों पर कहा कि लोग बेवजह सड़क पर चाट पकौड़ी खाने आए, बेवजह सड़क पर आए लोग तभी कोरोना के मामले बढ़े। सरकार और प्रशासन से जनता बार बार एहतियात बरतने की अपील कर रही। मास्क पहनना अनिवार्य, केंद्र सरकार और WHO ने अपील की है कि मास्क पहने। सरकार कह रही है कि जब तक वैक्सीन नहीं है तब तक मास्क ही वैक्सीन है, लेकिन मध्य प्रदेश के कुछ विधायक खुद को इनसे ऊपर मानते हैं। वे किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं। यहाँ तक कि विधानसभा के सत्र के दौरान ये विधायक मास्क नहीं पहन कर आए। BSP विधायक उन्हीं में से एक है जो मास्क नहीं पहनते। उन्होंने ऐसा तर्क किया कि जिसके पास हिम्मत है वही ऐसा कुछ कर सकता है। मुझे मास्क की बिल्कुल जरूरत नहीं, मुझे कुछ भी नहीं है, इसलिए मुझे मास्क नहीं लगाना चाहिए। मास्क ना पहनने पर जुर्माना जो लगेगा मैं वह दे दूंगी, लेकिन मास्क नहीं लगाऊंगी, मुझे घबराहट होती है। विधानसभा सत्र के दौरान विधायक के मास्क नहीं लगाने पर पूर्व मंत्री रामपाल सिंह ने कहा कि सभी माननीय को मास्क लगाना चाहिए, कोरोना की गाइडलाइन का पालन करना चाहिए, खुद भी मास्क लगाना चाहिए और लोगों से अपील करनी चाहिए। ऐसे में सवाल उठता है कि जब हमारे देश के मंत्री और विधायक मास्क नहीं लगा रहे हैं तो आम जनता से क्या उम्मीद की जाए?